Now students, we have to discuss exercise number 22, and the question is, in terms of Bend theorem, what is the difference between a conductor and insulator and between a conductor and semiconductor? तो दोस्तों ये समझने के लिए ये तीन डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं। ये जो डायग्राम है वो मेटल्स का है जिसको हम बोलेंगे कंडक्टर, वीबी का मतलब वैलेंस बैंड और सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन से खाली होता है, राइट फ्रेंड्स? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये जहां यहां गैप बिल्कुल नहीं है, बराबर, सो इलेक्ट्रॉन इजीली कोई भी टेम्परेचर के ऊपर से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सो मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर, और उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू है 10^4 टू 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। अब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में थोड़ा गैप बढ़ता है, बराबर, उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप मेटल से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है, मतलब लो टेम्परेचर जब होता है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी माइग्रेटेड इनटू कंडक्टर बैंड्स, इसमें लो टेम्परेचर पे जा सकते नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टर बैंड्स एंड दे आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर वो इंसुलेटर होता है, बराबर, उसका वैल्यू है 10^-6 टू 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, उसका वैल्यू 10^-20 टू 10^-12 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बराबर फ्रेंड्स? तो इसके ऊपर से वर्डिंग में यहां आंसर्स लिखे हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन अ वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड इज इन अ इंसुलेटर इज वेरी लार्ज, व्हाइल इन कंडक्टर इट इज वेरी स्मॉल। ये पहले का आंसर हो गया, और दूसरे का किसके बारे में समझने का है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा है। इन कंडक्टर द वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन सीबी का मतलब कंडक्टर बैंड और बीबी का मतलब बैलेंस बैंड, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप कैसा है कम है, बराबर, बट इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज लार्ज देन होम कंडक्टर एंड स्मॉलर देन होम इंसुलेटर। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं दोस्तों वो कोई भी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाते नहीं है, मेटल्स कोई भी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं बट हाई टेम्परेचर के ऊपर वो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स मतलब व्हाट, दे हैव अ टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, और ये जो वैल्यूज है वो आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, ओके फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच।